उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी लोकसभा चुनाव में बड़ी हिस्सेदारी चाहती है। जी हां, ये बात संजय निषाद के हवाले से सामने आ रही है, जिसकी वजह से अब आज बीजेपी के दिग्गजों के सामने निषाद पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। आपको बता दें कि आने वाले लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी के संस्थापक डॉक्टर संजय निषाद बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं। पार्टी के 8वें संस्थापना दिवस पर बीजेपी के दिग्गजों के सामने निषाद पार्टी शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि अगले साल लोकसभा के चुनाव में निषाद पार्टी के संस्थापक डॉक्टर संजय निषाद बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं। इसी के लिए आज अपनी पार्टी के 8वें संस्थापना दिवस पर वो बीजेपी दिग्गजों के सामने शक्ति प्रदर्शन करेंगे। गोरखपुर में पार्टी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जुटा रही है। बता दें कि एनडीए गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने का फैसला किया है। खुद को महायोगी मत्स्येंद्र नाथ के साथ जोड़ने वाली निषाद पार्टी की स्थापना 16 अगस्त 2016 को गोरखपुर में हुई। डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं कि निषाद पार्टी का संघर्ष गोरखपुर की धरती से शुरू हुआ था, इसलिए 8वां स्थापना दिवस समारोह यहीं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस बार स्थापना दिवस समारोह में भाजपा के दिग्गज नेता भी शामिल रहेंगे। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहेंगे। आयोजन तारामंडल स्थित दिग्विजयनाथ पार्क में होगा। इस समारोह में पूर्वी यूपी के 28 जिलों से कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। इसका उद्देश्य एक तरफ एनडीए में अपनी स्थिति को मजबूत करना है, दूसरी तरफ विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास कराना है। बता दें, पिछले दिनों गोरखपुर में ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने भी निषादों का बड़ा सम्मेलन किया था। दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ समय से निषाद वोटों को लेकर दावेदारी की होड़ देखी जा सकती है। निषाद पार्टी आज 1 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का दावा कर रही है। जाहिर है, ये दावा सही साबित होता है तो डॉक्टर संजय निषाद एनडीए और उसके बाहर अपनी स्थिति मजबूत करने में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। अगले लोकसभा चुनाव में अपने ही चुनाव चिन्ह पर लड़ने का निर्णय संजय निषाद ले चुके हैं। इस बारे में उनका दावा है कि उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस बात से अवगत करा दिया है। वैसे वर्तमान में डॉक्टर संजय निषाद के दोनों बेटे भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीत हासिल करके सांसद और विधायक हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर संजय निषाद ने पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इन मुलाकातों में उन्होंने भाजपा नेताओं को पार्टी की भावी रणनीति के बारे में जानकारी दी थी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए।